Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we are going to start our next chapter, that is variations and gene and genetics. That is chapter number 22. And iske andar hum log jo hai wo basically zikr karenge ki aapke paas kis tarike se insaan ke andar ya janwaron ke andar ya plants ke andar differences aate hain, variations unki genes ke andar aati hain, unke DNA mein tabdiliyan aati hain, taghayurat aate hain, unki life ke andar jo hai wo basic changes aate hain. First of all, let us discuss about the introduction. What is introduction? Basically introduction mein hum log kuch terminologies jo hain unke sath apni relevancy show karwayenge. Iske andar kuch terminologies jo aapke book according given hai, hum log unko zara dikh lete hain. Sabse pehle hamare paas hai ek term jo ke bar bar aapke samne aayega, that is gene. What is a gene? Gene aapke paas basically ek aisa agent hai jo ke aapki hereditary information ko store karta hai aur kisi particular trait ko control karta hai. Jo aapke paas ek gene hai wo kabhi bhi single nahi hota. Gene jo hai wo hamesha pair ki form mein hota hai. Misal ke taur pe aapke paas ek chromosome hai, theek hai? Is chromosome ka center mein chromatin, sorry, jo center mein hai usse attached hai. Agar yahan pe ek gene hai jiska naam hai A, for example, iske bilkul opposite ek aur gene hoga jiska naam A hoga. ठीक है, अब ये दोनों बेसिकली एक ही ट्रेड को कंट्रोल कर रहे हैं. इस जीन के जो आपके पास दो अल्टरनेट आपके पास में है वो एजेंट्स पाए जा रहे हैं, या एक पेयर आपके पास है उन दोनों का जो आपके पास इंडिविजुअल्स हैं उनको हम लोग नाम देते हैं अलील्स का. ठीक है जी, सो ये आपके पास हो गई दूसरी डेफिनेशन अलील्स की. ठीक है, जीन्स जो है और अलील्स की दो डेफिनेशन हो गई. इसी तरीके से हमारे पास जो जीन है वो क्रोमोसोम में जिस जगह पर पाई जाती है उस पॉइंट को हम लोग उसका कहते हैं लोकस. जिस तरह लोकल लफ्ज आपने सुना है लोकाए, लोकस. अब हमारे पास लोकस क्या होता है, जहां पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है. तो इसी तरह जो जीन जिस पॉइंट पे रहती है किसी क्रोमोसोम के ऊपर उसको हम लोग नाम देते हैं लोकस का. ठीक है जी, लोकस हो गया, जीन हो गया, एलील्स हो गए. डेफिनेशन आप लोगों ने याद रखनी है. इसके बाद एक और हमारे पास आता है कि आपके पास फिनोटाइप और जीनोटाइप में क्या फर्क होता है, जंपिंग जीन्स क्या होती हैं. जंपिंग जीन्स की हम लोग पहले बात कर लेते हैं. ये आपके पास जो आपके पास गिवन है, ये पैराग्राफ छोटा सा येलो बॉक्स आपके पास गिवन है, उसके अंदर बताया गया. जंपिंग जीन्स आपके पास ऐसी जीन्स हैं जो कि एक लोकस के ऊपर टिक कर नहीं बैठती, उनका नाम बता रहा है जंप करती जा रही हैं वो लगातार, जंपिंग जीन्स. और ये आपके पास हॉप करती रहती हैं डिफरेंट जो हैं वो लोकाई पे, सेम क्रोमोसोम के अंदर क्रोमोसोम. यानी इनका कभी दिल करेगा तो वो अपने क्रोमोसोम को छोड़ के किसी और क्रोमोसोम के ऊपर जाके जंपिंग करना शुरू कर देंगे, किसी एक लोकस पे ये टिक कर नहीं बैठेंगी. इसी तरीके से हमारे पास एक और डेफिनेशन है, दैट इज अ फिनोटाइप. व्हाट इज फिनोटाइप? अच्छा, कि जो लव्स फिनो जहाँ पे आएगा ना, इसका मतलब आप लोगों ने फिजिकल ले लेना है कि आपके पास वो वाली जो है वो एक्सप्रेशंस किसी भी जीन के जो कि आपको नज़र आते हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर या किसी प्लांट के अंदर. मिसाल के तौर पे किसी का जो रंग है वो ब्राउन है, ठीक है, किसी का रंग ब्लैक है, किसी की जुबान रोल करती है किसी की नहीं करती, या किसी के बाल जो हैं वो स्ट्रेट हैं किसी के घुंघरियाले हैं कर्ल्ड हैं. तो अब ये आपके पास जो डिफरेंसेस आपको जो नज़र आ रहे हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं और ये आपको फिजिकली नज़र आ रहे हैं, इनको हम लोग नाम देते हैं फिनोटाइप का. फिनोटाइप इज बेसिकली द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर जीन और एलील और अ ट्रेट. इसी तरह एक और हमारे पास होती है जीनोटाइप. तो जो जीनोटाइप है, व्हाट इज दिस? बेसिकली जीनोटाइप जो हमारे पास होती है, ये बेसिकली जो आपके पास जेनेटिक मेकअप है उसका आपको एक जो है वो मिल रहा है, क्या हम उसे कहेंगे, जो जीनोटाइप है आपके पास, ये किसी भी ह्यूमन जीनोम के या प्लांट जीनोम के या किसी भी और ऑर्गेनिज्म का जो जीनोम है कंप्लीटली, उसको हम लोग जीनोटाइप कहते हैं. कि उसके अंदर कितनी आपके पास जो है वो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, वो किन किन ट्रेट्स को किस किस तरीके से कंट्रोल कर रही है, और उसके अंदर वो कौन कौन सी ऐसी विरासती चीज़ें हैं जो कि आगे उस ह्यूमन बॉडी को या प्लांट बॉडी को या ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कंट्रोल करेंगी. अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास जो है वो आगे एक डेफिनेशन है जीन पूल की. व्हाट इज जीन पूल? ये भी हम लोग जरा देख लेते हैं. जीन पूल, लेडीज एंड जेंटलमैन, जीन पूल क्या होता है? अच्छा, अब जीन पूल समझने से पहले ना आपको पॉपुलेशन का कंसेप्ट होना चाहिए. पॉपुलेशन क्या होती है? आपको पता है, हम लोगों ने डिस्कस भी किया हुआ है कि पॉपुलेशन हमारे पास सेम ऑर्गेनिज्म जो हो, सेम इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशी लिविंग इन सेम स्पेस एंड टाइम, उनको हम लोग पॉपुलेशन का नाम देते हैं. तो एक पॉपुलेशन जो हमारे पास होती है उसकी सारी जो गिवन जो आपके पास जेनेटिक मेकअप है उसको हम लोग कलेक्टिवली नाम देते हैं जीन पूल का. तो दिस इज बेसिकली द जेनेटिक मेकअप ऑफ द ह्यूमन या किसी और स्पेसिफिक स्पीशीज का अगर हम लोग जिक्र करें तो उसका एंटायर जो हमारे पास जेनेटिक मेकअप का जो क्लस्टर है वो उसको हम लोग नाम देते हैं जीन पूल का.
So, ladies and gentlemen, convenience के लिए आपको बताता है कि हम gene pool पे focus कर रहे हैं specific trait का sample population of 100 deployed plants, some of which bear red flowers, others bearing white flowers. अगर हम लोग इनको study कर रहे हैं एक trait को, तो एक trait के अंदर हमेशा दो alleles का तस्करा होगा. मिसाल के तौर पे एक trait है tallness का, तो ये उसकी gene है T, ये उसकी जीन है टी. ये दो हमने क्यों लिखी? क्योंकि ये दो एलील्स हैं जो कि दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स, जो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं उनके ऊपर ये पाई जाती हैं. सो इस तरीके से हम लोग जो है वो इसका तस्करा करेंगे. दिस वाज इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन मेल अस. थैंक यू सो मच.